नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डेनर दोस्त। आज आपको हम बताएंगे स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसे लगाएं। आप किसी भी नर्सरी से इसका प्लांट ला सकते हैं। इस समय देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी, ये कितना बड़ा जूसी प्लांट फ्रूट है। आप इतना बड़ा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये देखिए आप, इसका मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये देखिए मेरा कितना अच्छा है, ये कितना बड़ा बड़ा स्ट्रॉबेरी है। अगर आप ऐसा स्ट्रॉबेरी उगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए ये कितना बड़ा स्ट्रॉबेरी है। ये चाह सकते हैं तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, या इसका रनर आता है उससे भी, या आप इसका प्लांट खरीद के लाएँ उससे भी। आपको इसका सीड लाने के लिए आपको इसी के सीड में से कलेक्ट कर लेना होगा। ऊपर सीड रहता है, सो सीड आप कलेक्ट कर लीजिए और 24 घंटा के लिए इसे सूखने के लिए धूप में रख दें। और एक प्रोट्रे ले, प्रोट्रे में मिक्स 50% मिक्स सीडलिंग आता है, मतलब जर्मिनेशन सीडलिंग खाद, वो मिला के आप इसको 2-3 सीड पूरा में भर दे। उस पे 2-3 सीड गिरा दे। 5 दिन बाद इतना इतना बड़ा आपको ये प्लांट हो जाएगा। अगर आप रनर से ग्रो देखिए मेरा रनर, आप रनर इतना सारा एक ही प्लांट में आपको इतना सारा रनर हो सकता है, अगर आप ठीक से इसकी सेवा करेंगे तो। आप इसके लिए आपको रोज़ाना एक समय पानी देना होगा। इसमें सबसे अच्छा बात ये है, जो आप ये ठंड के मौसम में, अगर कश्मीर तरफ नहीं रहते हैं ठंडे इलाके में, तो ठंड, ये देखिए क्राउन से भी आपको लगने का, इसका जो निकलता है क्राउन, उसको आप एक पॉट में, छोटा सा पॉट में लगा सकते हैं, उसको ढक सकते हैं। इसका जितना मोटा प्लांट होगा, जितना मोटा प्लांट का क्राउन होगा उतना अच्छा प्लांट बनेगा। आपको जितना अच्छा पत्ता इसमें ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा इसका प्लांट बनेगा। आप इसका पत्ता, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, आप इसे खा भी सकते हैं। आप इसको, इसके सीड जो ऊपर वाला होता है उससे भी लगा सकते हैं, या रनर आपको मिल जाए। इसका प्लांट आपको 10 या 12 रुपये में, ये 12 इंच वाले पॉट में आप लगा सकते हैं। एक 12 इंच का पॉट लें, उसमें 30% वर्मिंग कंपोस्ट, 20% परलाइट या रेत मिला के, और 50% गार्डेनर सॉइल मिला के, इसका जहाँ से क्राउन आप गमला में रख ले आधा, और 1.5 महीना का प्लांट, जो कि सबसे अच्छा प्लांट हो वैसा प्लांट आप लगा सकते हैं, वो गमला में लगाएं, जिससे आपका प्लांट बहुत सारा पूसी प्लांट बने। इसलिए आप उसको थोड़ा इसमें नीम के और थोड़ा नीम का खली, खली जो नीम के नाम से जाना जाता है, और नीम का स्प्रे आपको 15 दिन पे करना होगा। ये सब मिला के आप उसके गमला में लगाएं। इसका क्राउन से नीचे ही इसका मिट्टी रहना चाहिए, नहीं तो अगर क्राउन से ऊपर थोड़ा जाएगा तो इसमें फंगस लगने के चांस रहेंगे और प्लांट मर जाएगा। 5 दिन पे ऐसे ही निराई गुड़ाई किसी भी चीज़ से करते रहें, जिससे इसका प्लांट अच्छा होते रहे। इस पर मल्चिंग करना सबसे आवश्यक है। हम तो मल्चिंग के लिए पुआल का व्यवस्था किए हैं, ये ज़मीन पे हम लगाए हैं, गोल गोल पुआल का बना दिए हैं। आप गमला में लगाएंगे तो गमला में प्लांटर जो गमला का होगा उसमें अच्छा से पुआल ढकना होगा। पुआल से आपको इसका ऊपर का पत्ता बाहर निकाल के और उसका फल जो उसी पुआल पे आवे, इससे आपका पुआल पे लगेगा तो सबसे अच्छा जूसी फ्रूट होगा और फ्रूट बढ़वार में भी अच्छा होगा। आप इसको 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे करें या फंगीसाइड का स्प्रे करें 15 दिन पे, और 15 दिन पे आप पुआल हटा के इसमें वर्मिंग कंपोस्ट जो भी खाद देना हो 15-15 दिन पे NPK 19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं, NPK 10-10 का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो भी NPK का प्रयोग करना है प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसका प्लांट और भी अच्छा ग्रोथ करे। ग्रोथ जितना ही आप अच्छा खाद दीजिएगा और जितना ही प्लांट को 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है,
उसके बाद आप इसके 8 घंटे की धूप जैसे ही दीजिएगा तो ये प्लांट और भी अच्छा होगा। उसके बाद आपको ये जब फ्रूट देना बंद कर दे तो आप इसे गर्मी में इसका जितना भी प्लांट का ऊपर का डेड हेडिंग करके आप छोड़ दीजिएगा, और 15 दिन पे खाद देते रहिएगा। जैसे खाद देते हैं वैसे में ये इसका प्लांट आपको अगले साल तक चलते रहेगा। ये प्लांट 2 साल तक आपको फ्रूट देगा, तीसरे साल आपको फिर लगाना होगा। इसमें रनर प्रोड्यूस होता है, रनर आपको जून जुलाई के महीने में आपको रनर मिल जाएगा। रनर के लिए आपको उसको रनर का अगर नहीं आपको लेना है इसका प्लांट, आपको ये देखिए लिख दिए हैं, ये पॉज करके आप देख लीजिए कितना वर्मिंग कंपोस्ट कितना आपको मिलाना होगा, ये लिख दीजिए लिए हैं। इसका रनर आपको अगर इसका प्रयोग नहीं करना है तो रनर को हटा दे, नहीं तो ये इसका आपको इसका प्लांट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खींचता रहता है। और आप इसका प्लांट देखिए क्या कितना परसेंट क्या चीज़ देना है लिख दिया है, देख सकते हैं। रनर आप तोड़ दीजिए या लगा अगर दीजिए। इसको आप रनर से ग्रो कर रहे हैं तो रनर से आप ग्रो कर सकते हैं। अगर प्लांट खरीदने के अगले साल आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तो अगर आपको रनर की आवश्यकता नहीं है तो उसे हटा दें, जिससे इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट उतना अच्छा और ये प्लांट और भी बढ़ करे, जिससे ये फल देने में ही सक्षम हो। आप जितना इसका पुराना प्लांट रहेगा उतना अगले साल मतलब फ्रूट अच्छा देगा, और उसके बाद आप रनर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, रनर को भी लगा सकते हैं। रनर को आप बरसात के ऋतु में दूसरा जगह शिफ्ट कर दें। धन्यवाद।